अंग की लोक आस्था से जुड़ी मां मनसा विषहरी और बाला बिहुला की सत्य घटना पर आधारित दो दिवसीय विषहरी पूजा समारोह भागलपुर और आसपास के इलाकों में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। गुरुवार को विषहरी माता की पूजा की गई, जिसके बाद पारंपरिक रूप से अलग अलग विषहरी मंदिरों में देर शाम बाला लखेंद्र और बिहुला की बारात निकाली गई। वहीं लोक कथा के अनुसार बिहुला के पति और चांदो सौदागर के सप्तम पुत्र बाला लखेंद्र की मृत्यु मनसा देवी के श्राप के कारण सर्पदंश से हो गई, जिसके बाद अपने सुहागरात को पति की सर्पदंश से हुई मौत पर आहत बिहुला ने पति को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से मंजूषा बनाकर केले के थंब के माध्यम से चंपा नदी मार्ग से स्वर्लोक के प्रस्थान कर गई। मान्यताओं के अनुसार सती बिहुला के इस दृढ़ निश्चय को देखकर मनसा देवी काफ़ी क्रोधित हुई और उनके मार्ग में अनेकों बाधाएं उत्पन्न करते हुए बिहुला की कड़ी परीक्षा ली। वहीं अपने सतीत्व और दृढ़ संकल्प के बल पर सती बिहुला स्वर्गलोक पहुंची और अपने पति बाला लखेंद्र एवं उनके सभी 6 भाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए मनसा देवी को विवश कर दिया। हालांकि इससे पूर्व महान शिव भक्त और बाला लखेंद्र के पिता चांदो सौदागर ने सती बिहुला एवं महादेव के आग्रह पर माँ मनसा देवी की इच्छा की पूर्ति के लिए उन्हें अपने बाएँ हाथ से पूजा देने की बात स्वीकार की। वहीं शुक्रवार को भी सुबह से ही तमाम विषहरी मंदिरों में मनसा विषहरी और सती बिहुला की पूजा के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती रही, जबकि इस दौरान सभी मनसा देवी मंदिरों और पूजा पंडाल के पास मेला सा माहौल बना रहा, जिसका बच्चों के साथ सभी पुरुष महिला और युवक युवतियों ने जमकर लुत्फ उठाया। विषहरी पूजा समारोह के दूसरे दिन भी पूरे विधि विधान से माता मनसा देवी और सती बिहुला की पूजा भक्ति भाव से की गई। विशेषकर तमाम विषहरी स्थान के भगत और महिला श्रद्धालुओं ने मां मनसा देवी और नाग कलश की पूजा अर्चना करते हुए डलिया भी चढ़ाया और माता से अपने मनवांछित फल की कामना की। धार्मिक मान्यता के अनुसार हिंदू धर्म में धूप दीप का विशेष महत्व है, जबकि शुक्रवार को पूजा संपन्न होने के बाद अधिकतर विषहरी मंदिरों के भगत के नेतृत्व में मंजूषा और कलश विसर्जन शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका विसर्जन गंगा नदी समेत अलग अलग नदियों पोखर और तालाबों में किया गया। शुक्रवार की दोपहर बाद हाथों में धूप दान लिए भगत के साथ काफी संख्या में महिलाओं एवं युवतियों ने सिर पर मंजूषा और कलश लेकर विसर्जन के लिए प्रस्थान किया, जबकि इस दौरान काफी संख्या में पुरुष श्रद्धालु भी शोभा यात्रा में शामिल रहे। शाम होने तक ढोल नगाड़े के साथ कई मंदिरों से मंजूषा और कलश विसर्जन के लिए श्रद्धालु गंगा किनारे पहुंचे और विधि पूर्वक विसर्जन किया। इसको लेकर श्रद्धालुओं के साथ शहरवासियों में काफी उत्साह का माहौल दिखाई दिया, जबकि मां मनसा देवी से सुख समृद्धि की कामना करते हुए भक्तों ने जयकारा लगाया। साथ ही सुहागिन महिलाओं ने सती बिहुला के सतीत्व को नमन करते हुए अपने अटल सुहाग की कामना की। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत भंगा बांध में मछली पकड़ने के दौरान एक छात्र डूब गया, जिसकी पहचान नवादा पंचायत के गुड़ियासी गांव निवासी नीतीश कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि नीतीश अपने दोस्तों के साथ भंगा बांध में मछली पकड़ने गया था, जहां जाल बिछाने के दौरान वह नदी में डूब गया, जिसके बाद उसके दोस्तों ने उसे बचाने की काफ़ी कोशिश की लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और एसटीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और घंटों मशक्कत के बाद बांध से नीतीश कुमार का शव बरामद किया गया। घटना के बाद इलाके में मातम का माहौल है। इधर पुलिस ने अलर्ट जारी करते हुए किसी को भी बांध की ओर जाने से मना किया है। पुलिस ने कहा कि भंगा बांध एक खतरनाक जगह है और यहां पर मछली पकड़ना बहुत ही जोखिम भरा है। भागलपुर के साकुन प्रखंड अंतर्गत मिल्की गांव में बीते सोमवार की रात कुआं में मोटर लगाने गया एक युवक करंट की चपेट में आकर कुएं में गिर गया था, जबकि इसके बाद बारी बारी से उसे बचाने कुएं में उतरे 3 व्यक्ति की मौत हो गई थी। वहीं इसको लेकर शुक्रवार को बांका सांसद गिरधारी यादव और सुल्तानगंज विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल मृतक के परिजनों से मिलने पहुंचे, जहां सांसद और विधायक ने तीनों मृतकों के परिजनों को सांत्वना देते हुए ढांढस बंधाया और सरकार की ओर से हर संभव मदद देने का
भरोसा दिया। इस दौरान सांसद गिरधारी यादव और विधायक ललित नारायण मंडल ने आपदा विभाग की ओर से मृतक के परिजनों को 4-4 लाख की मुआवजा राशि देने की बात कही। बता दें कि इस घटना में आशीष कुमार नामक युवक को बचाने के लिए जितेंद्र कुमार होरिल यादव और मिथुन यादव कुएं में उतरे थे, लेकिन जहरीली गैस की चपेट में आकर उन तीनों की मौत इलाज के दौरान अस्पताल में हो गई, जबकि कुएं में पहले से गिरने वाले युवक को डॉक्टरों द्वारा इलाज के बाद बचा लिया गया। पीड़ित परिवार से मिलने सांसद और विधायक के साथ मौके पर भागलपुर के राजद जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर यादव, साधु यादव का कक्षा प्रवीण, प्रदीप सिंह समेत कई कार्यकर्ता एवं ग्रामीण मौजूद थे। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। मार्केटिंग करिए और रिलैक्स होने के लिए सैलून को जरूर यूज करें। स्पेशली ब्राइडल मेकअप के लिए इन्होंने जो अरेंजमेंट्स किए हैं, ऑल द प्रोडक्ट्स दे आर यूजिंग आर अंडर देयर प्रोफेशनल्स, सो यू कैन ट्रस्ट। भागलपुर के सुल्तानगंज में बिलाभिषेरी पूजा को लेकर विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल और नगर सभापति राजकुमार गुड्डू ने शहर और पंचायत के विभिन्न बिलाभिषेरी मंदिरों में पहुंचकर पूजा अर्चना करते हुए देश में सुख शांति की कामना की। इस दौरान विधायक और नगर सभापति ने नगर परिषद के पूर्व वार्ड पार्षद संतोष यादव से मुलाकात कर बिलाभिषेरी का प्रसाद ग्रहण किया और पूजा समिति के साथ कार्यकर्ताओं को भी बिलाभिषेरी पूजा की शुभकामनाएं दी। वहीं विधायक ने कहा कि बिलाभिषेरी पूजा का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है, जिसे लोग एकजुट होकर मनाते हैं। विधायक ने कहा कि बिलाभिषेरी पूजा एक लोकप्रिय धार्मिक त्यौहार है जो बिहार के कई हिस्सों में मनाया जाता है। कल बाला विलाह का 17 तारीख को शादी होता है, रात में फिर रान हो जाती है विलाह, और आज जो है 18 तारीख को डलिया चढ़ाया जाता है प्रतिशरी माँ को। डलिया चढ़ा के सब सारे श्रद्धालु जितने भी हैं नगर के इर्द गिर्द के सभी लोग जुटते हैं और जुट के डलिया चढ़ाते हैं, फिर कलश विसर्जन 4 बजते किया जाएगा। कलश विसर्जन के साथ जो है रात में 10-11 के बाद प्रतिमा विसर्जन होगा।